नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैगी आमलेट कैसे बनाया जाता है और किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। मैगी आमलेट बनाने के लिए दोस्तों हमने दो अंडे लिए हैं, एक छोटा प्याज, एक लहसुन, दो तीन मिर्च, थोड़ी सी धनिया, एक मैगी का पैकेट। दोस्तों ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बैचलर हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, किसी कारणवश से लॉकडाउन में फंस गए हैं, तो वो ईज़िली अपने घर पर ये बना सकते हैं। हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम बहुत ही बारीक प्याज काटें, मोटे मोटे ज़्यादा ना काटें, और मिर्च को भी हम बीच से चीरा लगा के हम बारीक बारीक उसको काटें, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा प्याज या ज़्यादा मोटी मिर्च काट देने पे क्या है कि वो सही से पक नहीं पाती है और बन नहीं पाता है। तो जितने भी मटेरियल है, लहसुन है, मिर्च है या प्याज है, सबको बारीक बारीक काटें, और धनिया पत्ती को भी बारीक बारीक काट लें। हमने ये मैगी का पैकेट ले लिया है, ये मुश्किल से 10-12 रुपए का आता है दोस्तों। इसमें से हम मैगी निकाल लेंगे और इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको हम एज इट इज़ रख लेंगे और हम मसाले को अलग कर लेते हैं। तब तक हम गैस पे पानी चढ़ा देते हैं दोस्तों और इसको हम गर्म होने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम मैगी एज इट इज़ डाल देंगे और जब ये पक जाए तब तक हम इंतज़ार करते हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, हमारी मैगी पक चुकी है। अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। हम एक भगोने में सारी कटी हुई चीज़ों को डाल लेंगे, जैसे कि हमने ये प्याज डाल दिया है और लहसुन, मिर्च और धनिया पत्ता भी इसमें हम मिला देंगे, और इसमें हम अंडे को फोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। हमने दो अंडा यूज़ किया है और मैंने ये देसी यूज़ किया है, आप चाहे तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैगी का मसाला है हम इसी को इसके अंदर डाल देंगे, और अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। सारे आइटम डालने के बाद दोस्तों हम इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे, हो सके तो आप अपने हाथ से मिलाइए ताकि सारे मसाले और जो अंडे की जर्दी है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मैगी आमलेट बनाते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, पैन भी रख लिया है, हमने इसमें तेल डाला है 1 चम्मच, और इसमें हम ये मैगी को अच्छे से मिला के हम इसमें अपने हाथों से डाल लेंगे। इसी तरीके से आप भी डालिए, चारों तरफ फैला लीजिए अच्छे से। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, और देखिए दोस्तों ये अब पकना चालू हो गया है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, 5 से 10 मिनट में बन जाती है, ख़ास तौर पे जो बैचलर हैं जिन्हें बनाना नहीं आता है, या जो लोग अभी लॉकडाउन में जो फंस गए हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। आप भी ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, और एक ये हैवी और हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह सुबह। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो लोग इसे बहुत ही ईजिली तरीके से बना सकते हैं। हमारा मैगी आमलेट बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया बना है। ये काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट होता है दोस्तों, अपने परिवार के साथ ज़रूर खाएं इसे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।